हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक हर्ष। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन इन फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में अरिथमेटिक मीन का बहुत बार यूज़ करा होगा, और जो बच्चे अभी 11th क्लास में आए हैं वो अभी देखेंगे 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में और 12th क्लास की भी फिजिकल केमिस्ट्री में अरिथमेटिक मीन बहुत बार यूज़ होता है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट के पेपर के लिए, एम्स के लिए, आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए भी और आईसीएसई बोर्ड के लिए भी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ अरिथमेटिक मीन। सब सर इसमें देखिए, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर मेरे पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैंने तीन अलग वैल्यूज ले ली, जैसे पी, क्यू और आर, अभी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो सकती है? तो देखिए, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो प्रेशर भी हो सकती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी हो सकती है, ये फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर हो सकता है, एंड सो ऑन, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो उनके मैंने अलग अलग क्वांटिटीज ले, पी, क्यू और आर। अब उनका जो नेचर में फ्रिक्वेंसी है या नेचर में जो उनका रेशियो है वो क्या है, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। तो अब मेरे पास में उसका अरिथमेटिक मीन क्या बन जाएगा, पी इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू वाई प्लस आर इंटू जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आखिर अरिथमेटिक मीन हम यूज़ क्या करते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम फिजिकल केमिस्ट्री में अरिथमेटिक मीन केवल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़? दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच डू नॉट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ द मैटर आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। जैसे देखिए एटॉमिक मास, अब आप लोग बताइए मेरे पास में 5 ग्राम ग्रेफाइट है या मेरे पास में 50 ग्राम डायमंड है। ओके, अगर 50 ग्राम डायमंड होता है, जाहिर सी बात है मैं बहुत अमीर हूँ, पर ऐसा है नहीं। तो मानो मेरे पास में 5 ग्राम ग्रेफाइट है और मेरे पास में 50 ग्राम डायमंड है, तो आप लोग बताइए कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 ही होगा, सिंपल सी बात है। मेरे पास में 10 ग्राम पानी है या मेरे पास में 1 लीटर पानी है, तो बताओ H2O का मोलर मास कितना है? 18। तो क्या मैटर की क्वांटिटी को चेंज करने पर एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास चेंज हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए एटॉमिक मास एक तरीके की इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मॉलिकुलर मास भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की मोलरिटी। अब देखिए, आप लोगों ने क्या करा, एक शुगर का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, एक ग्लास में आपने क्या करा, 2 चम्मच चीनी घोल ली और आपने उसको सिप किया, पिया, पी के देखा आपको वो मीठा लगा। अब आपने कह रहा आधे ग्लास सॉल्यूशन गिरा दिया, अब आपने फिर से सिप किया, क्या आपको उतना ही मीठा लगेगा, चेंज हो जाएगा? उतना ही मीठा लगेगा। डैट मीन्स जो सॉल्यूशन की मोलरिटी है या जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन के अमाउंट के साथ में वेरी नहीं करती। उसके बाद में डेंसिटी, फिर से वही एग्जांपल, जैसे हम पानी का ले लेते हैं, मेरे पास में पानी है, पानी मेरे पास लेट मान लो कितना है, 100 ml पानी है, मैंने 100 ml पानी में से 10 ml पानी गिरा दिया, तो पीछे 90 ml पानी का डेंसिटी कितना होगा? उतना ही होगा ना यार, जितना 100 का है, तो डेंसिटी कितना होगा, 1 g/ml। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में और या गैसेस स्टेट के टॉपिक में आप पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी CVOCP, और अगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस तो हम CM के फॉर्म में पढ़ेंगे। टेम्परेचर, याद रखना अरिथमेटिक मीन जब निकालो तब टेम्परेचर को है आप केवल केल्विन स्केल में लेना। इसका देखो कारण क्या है, टेम्परेचर हम केल्विन स्केल में क्यों लेते हैं, क्योंकि हम टेम्परेचर की उसी स्केल को स्टैंडर्ड मानते हैं जिसमें टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू 0 है। अगर मैं टेम्परेचर की नेगेटिव वैल्यू मान लूँगा तो आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन पता होगी, PV=nRT। उस आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से, PV=nRT के अकॉर्डिंग, अगर मैं टेम्परेचर को नेगेटिव वैल्यू पर रख दूँ तो प्रेशर, वॉल्यूम या मोलर अमाउंट में कोई ना कोई वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए केमिस्ट्री में हमेशा टेम्परेचर को केल्विन स्केल में ही लेना है, समझ गए, याद रखना ओनली केल्विन स्केल। वैसे 12th क्लास में टॉपिक आएगा वेपर प्रेशर, वैसे 11th क्लास में भी आता है, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में, फिजिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक के अंदर। फिर ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये ऑलमोस्ट सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी बहुत सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखो हम चेक करते हैं अरिथमेटिक मीन को यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके मोल कंसेप्ट के टॉपिक के अंदर आएगा, आपके पास में एक एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, जैसे एक एलिमेंट के 2 आइसोटोप मैंने मान लिए ए और बी, लेट उनके एटॉमिक मासेस हैं M0A और M0B, उनका मोलर अमाउंट है Na और Nb। तो मेरे पास में M0 एवरेज कितना हो जाएगा, M0A Na प्लस M0B Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। हम लोगों को क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए कई बार उन आइसोटोप्स का या तो रेशियो दे रखा होता है या उनका एक हमारे पास में परसेंटेज गिवन होता है, वो रेशियो या परसेंटेज उनका मोलर प्रोपोर्शन ही है, याद रखना आप लोग। उसके बाद में अब देखिए, मेरे पास में अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिकुलर मास है M01 और M02, उनका मैंने एक सैंपल बना लिया, तो उस सैंपल का एवरेज मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा, M01N1 प्लस M02N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये भी क्या है, अरिथमेटिक मीन। अब मैंने क्या करा, एक सॉल्यूशन बनाया, 2 लिक्विड को मिक्स करके, जैसे इथेनॉल और वाटर, और या कहें इथेनॉल और वाटर और H2SO4। तो अगर इनका अगर मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ
तो लेट मानो उन लिक्विड्स का डेंसिटी है D1 और D2, उनका जो मोल्स मैंने लिया है वो है N1 और N2, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी हो जाएगा D1N1 प्लस D2N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, इट इज़ द अरिथमेटिक मीन। अब देखिए, मैंने एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग सॉल्यूशंस ले लिए जिनकी मोलैरिटी है MA और MB और उनका वॉल्यूम है VA और VB, तो सॉल्यूशन का फाइनल मोलैरिटी हो जाएगा MA VA MB VB डिवाइडेड बाय VA प्लस VB। ये कई बार हमारे पास माता है, हमने अलग अलग जो है HCl के अलग अलग सॉल्यूशन ले लिए, NaOH के अलग अलग सॉल्यूशन ले लिए, NaCl के अलग अलग सॉल्यूशन ले लिए, काफ़ी जनरल क्वेश्चन आते हैं, उनमें हम एवरेज मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, MA VA प्लस MB VB डिवाइडेड बाय VA प्लस VB। नेक्स्ट, अगर मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं जैसे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एक्सेट्रा, कैसी भी हो सकती है, कोई भी एटॉमिसिटी उनकी पॉसिबल है, उसका मुझे मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है, चाहे वो CV दे रखा हो या CP दे रखा हो, या चलो डिफाइन ना कर रखा हो CV है या CP है, बट एक पर्टिकुलर मोलर हीट कैपेसिटी है। अब उन गैसेज का हीट कैपेसिटी की वैल्यूज़ हैं C1 और C2, उनका जो मोलर अमाउंट है N1 और N2, तो उस मिक्सचर का एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, C1N1 प्लस C2N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। वैसे ही मेरे पास में पानी के अलग अलग सैंपल हैं जिनके टेम्परेचर है T1 और T2 और उनका जो मैंने मास लिया है वो है M1 और M2, तो अगर मैं दोनों को मैं मिक्स कर देता हूँ तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा T1M1 प्लस T2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। जैसे मानो मेरे पास एक पानी का सैंपल है जो मेरे पास में है 0 डिग्री सेल्सियस पे, एक पानी का सैंपल है -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो बताओ इसके अंदर इसमें टी मिक्सचर में आप T1 और T2 क्या लेंगे, 0 और -20। बिल्कुल गलत, आपको T1 जो है केल्विन स्केल में लेना है, तो कितना लेंगे आप 273 केल्विन, और T2 आपको कितना लेना है इस केस के अंदर 273 -20 253 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, 12th क्लास में एक टॉपिक आता है राउड्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशंस के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 है ये हमारे NCERT की बुक में, उसमें ये दे रखा है कि अगर हमारे पास में दो अलग अलग वोलेटाइल लिक्विड्स हैं जिनका वेपर प्रेशर है P01 और P02, उनके अगर हम N1 और N2 मोल्स को मिक्स करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आएगा, P01N1 प्लस P02N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ये हो जाएगा P01X1 प्लस P02X2। डैट मीन्स राउड्स लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये तो हमने बेवकूफ़ बनाया था। सिंपल सा क्या है, अगर हम दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करें तो जो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा उसका प्रेशर होगा अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर इंडिविजुअल वेपर प्रेशर। सिंपल सी बात है, याद रखना। आगे, अगर मेरे पास में दो या दो से ज़्यादा ऑप्टिक इलेक्ट्रिक कंपाउंड के मिक्सचर प्रेजेंट हैं, लेट मैं दो का मान लेता हूँ, यहाँ पे दो कंपाउंड हैं, उनका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है θ1 और θ2 और उनका जो मोलर अमाउंट है N1 और N2, तो जो मिक्सचर मिलेगा उसका नेट ऑप्टिकल रोटेशन कितना हो जाएगा, θ1N1 प्लस θ2N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। कई बार ये हमारे इसमें केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि सुक्रोज जो एक तरीके का डेक्सट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, इसका जब हमने हाइड्रोलाइसिस करा तो उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज जो है वो तो डेक्सट्रो रोटेटरी है और फ्रक्टोज कैसा है, लिवर रोटेटरी। इन तीनों का अगर मिक्सचर मिलेगा तो मिक्सचर का मैं ऑप्टिकल रोटेशन कैसे निकालूंगा, θ1 × μ(mols of glucose) + θ(g) × μ(fructose) डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ऐसे करके मैं उसका पूरे सॉल्यूशन का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इसमें कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट आपके सभी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, भगवान करे आप लोग अपने सभी एग्जाम में हमेशा कामयाब हो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।